Hey guys, मैं हूं दिशा राय, वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। आज का वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये वीडियो हमारे चैनल का मोस्ट डिमांडिंग वीडियोस में से होता है। यहाँ गाइस आप बिल्कुल सही समझे, आज का वीडियो हमारा गिवअवे कस्टम गेमप्ले वीडियो होने वाला। तो यहाँ पे देख सकते हो बिंजू भाई यानी बिंजास गेमिंग कर रहे 3 मिलियन स्पेशल लाइव एंड लाइव में कस्टम बना रहे। जो कस्टम को जीतेगा उसे मिलेगा ढेर सारा बड़ा बड़ा रिडीम कोड, पैसा ही पैसा होगा। तो चलो गाइस कस्टम में चलता है, लेट्स गो। कस्टम बनाते यार, ठीक है चलो। कस्टम का एक रूल मैं आपको समझा देता हूँ यार, जो टॉप 3 पे बंदे आएंगे उनको तीनों बंदों को रिडीम कोड मिलेगा और तीनों को रिक्वेस्ट भी जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप लोग टॉप 1 पे आओगे ना, बुया करोगे, लेकिन 10 किल से ज्यादा किल करोगे तो आपको मैं 2 रिडीम कोड दूंगा, ठीक है? ओके, आर यू गाइस रेडी? पासवर्ड भाई, पासवर्ड है जो टॉप 1 आएगा और मतलब जो बुया करेगा, अगर वो 10 किल से ज्यादा किया तो उसको 2 रिडीम कोड मिलेंगे। अरे समझ गए भाई, पासवर्ड है 1212, ठीक है, समझ गया। ले फिर आ गए बात, 1-2 का 4। फाइनली दोस्तों फटाक से सटाक हम कस्टम में एंट्री कर चुके हैं, लेकिन बिंजेत भाई ने अभी तक हमें नोटिस नहीं किया है। कोई बात नहीं, इतने हाई वाचिंग में हमने कस्टम एंट्री किया, तो गाइस इस कस्टम को जीतने का मैं फुल ट्राई करूंगा। करो फिर, लेट्स गो यारो, देखते पहले गेम में कौन बुया करता है और तड़कते बड़कते तरीके से रिडीम कोड यहाँ से लेता है अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। अबे साले, मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे गाइस हम प्लेन में आ चुके हैं और हमारा रीसप्लाई यानी सीक्रेट क्लू देख सकते हो ब्लू जोन के पास शिपयार्ड में है। तो गाइस शिपयार्ड जाने के लिए मैं प्लेन से कूद जाता हूँ और देख सकते हो हमारे साथ नीचे कितने सारे बंदे आ रहे हैं। ओ भाई ये क्या है? अब पीछे स्कैनर में एक बंदा रहता है और मेरा सीक्रेट क्लू खुले में रहता है, इसलिए मैं सीमेंटेड में लैंड कर जाता हूँ। देन गाइस सीमेंटेड को अच्छे से लूट कर लेता हूँ, एके मिलता है। फिर यहाँ पे गाइस मैं एलसेप पे आ चुका हूँ और देख सकते हो एलसेप में मुझे डबल बैरल मिल चुका है। अब सामने मेरे डब्बा रहता है, डब्बा लूट करने के लिए जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता हूँ मुझे गाड़ी का साउंड आता है और देख सकते हो गाइस एक बंदा लैम्बो लेके जा रहा है। देसी छोरा हमारा भाई, जलवा है हमारा। देसी छोरा के पास भी सेम बैग पैक है, देख रहे हो? छोरा, हाँ छोरा, छोरा एक मोट मारना, मार देगा भाई, अपना भाई, अपना छोटा भाई है यार। कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। खतरनाक खेल रहा है, ठीक है, ये तो ये बहुत बार जीता है, सच बता रहा हूँ। अच्छा बंदा, इज अ गुड गाय। बस सुनाएगा क्या? देन उसके बाद गाइस मैं अपना सीक्रेट क्लू लूट कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे बाइक मिल जाता है और देख सकते हो सामने ही मुझे 500 टोकन दिखाई देता है, तो 500 टोकन में लूट कर लेता हूँ। उसके बाद सामने 200 टोकन और रहता है, उसे भी मैं लूट लेता हूँ। तभी उसी टाइम पीछे से एक बंदा फायर देता रहता है, मैं अपनी गाड़ी में बैठ के भाग जाता हूँ। आगे जैसे ही जाता हूँ एक और बंदा पीछे से फायर देता है, उस बंदे से भी मैं बच के गाड़ी चला के भाग जाता हूँ। टॉप 3 बंदों को रिडीम कोड मिलेगा, जो टॉप 1 पे आएगा उसको क्या मिलेगा? सारे बंदे खतरनाक प्लेयर है भाई, इस कस्टम का ना लेवल बहुत ऊपर है, ठीक है, लेवल सबके निकलेंगे। देन दोस्तों मैं बाइक से शिपयार्ड में घूमते रहता हूँ, बंदा स्पॉट करते रहता हूँ, तभी एक बंदा पीछे से मेरी गाड़ी को काफी ज्यादा डैमेज दे देता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एंड लास्टली मेरी गाड़ी जल जाती है और मैं सीधा गाड़ी से उतर के भागने लग जाता हूँ। पीछे से वो बंदा मुझे काफी ज्यादा डैमेज दे रहा था, लेकिन मैं पतली गली से निकल लेता हूँ। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर फेर कर। भागते भागते मुझे बिना खुला हुआ डब्बा दिखाई देता है, उस डब्बे को मैं लूट कर लेता हूँ। तभी डब्बा खोलते खोलते हमें ये भी बात ध्यान में रखना, पीछे एक बंदे ने मेरे गाड़ी चलाया था, वो बंदा मेरे पीछे मुझे मारने आ सकता है, तो मैं ज्यादा डब्बा नहीं खोलता और यहाँ पे सीधा कार्टूनिस्ट आ जाता हूँ। पतली गली से निकलते निकलते भागते भागते देखना पड़ेगा कौन से 3 बंदे टॉप 3 में आते हैं यारो। हम 3 भाई और तीनों ही तबाही, देसी छोरा। देन उसके बाद कांटुल इस्तवा से भी भाग भाग के गाइस मैं हैंगर जाते रहता हूँ। फिर रास्ते में मुझे देख सकते हो ब्लू वाला गाड़ी मिल चुका है। देन ब्लू वाली गाड़ी लेके मैं हैंगर साइड से निकलते रहता हूँ, पीछे से एक बंदा फायर देते रहता है, बट एक भी डैमेज मुझे नहीं आता है। मैं पिंक वेंडिंग के पास जाता रहता हूँ, मेरे पास 1400 टोकन से 4 कवेस्ट वगैरह परचेस करने के लिए, लेकिन पिंक वेंडिंग पे ऑलरेडी बंदा रहता और मैं गाड़ी को आगे से देख सकते हो लंबे वाले घर से मैं घुमा लेता हूँ। देन उसी वक्त एक बंदे के गाड़ी के साथ मेरी गाड़ी की टक्कर हो जाती है और फिर मैं पतली गली से निकल ही रहा था, तभी एक बंदा मुझे गाड़ी में ही ओम का हेडशॉट मार जाता है। भाई कैसे? मेरे साथ अन्याय हुआ है। फर्स्ट कस्टम में गाइस मैं जीतने के लिए गाड़ी चला रहा था और एक बंदे ने मुझे सीधा हेडशॉट मार दिया। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, उस बंदे का तुक्का लग गया लिटरली गाइस। कोई ना, सह लेंगे थोड़ा सा। चलो गाइस अभी बिंजायत भाई सेकंड गिवअवे कस्टम बना रहे जिसमें से हमें मिलेगा रिडीम कोड। चलो गाइस कस्टम में चलते हैं, बिंजायत भाई पासवर्ड देने वाले और इस कस्टम में लिटरली गाइस आप लोग देखो पहले स्ट्रीम, कस्टम का पासवर्ड होने वाला है 100, लेकिन अभी मैंने वो पासवर्ड इधर रखा नहीं है। यहाँ से जो ही मैं पासवर्ड रखूंगा ना आप तभी दबा पाओगे। जैसा कि आपने सुना गाइस इस कस्टम में रैंडम पासवर्ड मिलने वाला, मतलब कोई भी बंदा घुस सकता है मेरे अलावा या मैं भी घुस सकता हूँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ एंट्री करने का और रैंडम पासवर्ड है, मेरे चांसेस हल्का कम है, लेट्स सी देखते हैं एंट्री कर पाते हैं या नहीं। चलो
ले फिर आ गए। यहाँ पे गाइस हम रैंडम पासवर्ड में भी कस्टम में एंट्री कर चुके हैं। चलो गाइस कस्टम खेलते हैं और इस मैच में जीतने का 100% ट्राई करेंगे। लेट्स गो। अब इससे पहले जो कस्टम में आए उनको लग रहा है कि बिनजद भाई पेट ही नहीं बनाएंगे उनकी, ठीक है। पीजी स्नाइपर भी आया था है ना। ऐसा मत करो मेरी जान। और कोई छोरा को रहन देते हो तो। चलो यार शुरू करते हैं। तीन टॉप थ्री को कस्टम रिडीम कोड मिलने वाला है, पहले ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अरे समझ गए भाई, समझ। टॉप वन को देना गलत बात होती है ना, सही बात है। ताकि तीनों को दे, ताकि जल्दी जल्दी हम लोग सारे रिडीम कोड सबको दे ले और खत्म कर दे। बहुत पैसा है मेरे पास। तो गाइस सेकंड कस्टम स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो हम प्लेन में आ चुके हैं और मेरा सीक्रेट क्लू देख सकते हो सेंटोसा में है। बट हम गाइस डायरेक्ट सीक्रेट क्लू पे सेंटोसा पे लैंड नहीं करेंगे, मरने का खतरा काफी ज्यादा है। हम सबसे पहले पोचिनोक पे लैंड करेंगे, देन सेंटोसा जाएंगे। तो यहाँ पे गाइस पोचिनोक के लिए मैं प्लेन से इजेक्ट कर चुका हूँ और पीछे स्कैनर में देख सकते हो दो तीन बंदे हमारे साथ ही पोचिनोक पे जा रहे हैं। आने दो आने दो, कोई दिक्कत नहीं गाइस, सबकी पेटी बना देंगे, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पे गाइस मैं लैंड करने ही वाला हूँ, देख सकते हो स्टिल स्कैनर में तीन बंदे हमारे साथ ही आ रहे हैं। देन यहाँ पे गाइस मैं एलसेप में लैंड कर जाता हूँ, मुझे मिला है M10 और एक बंदा ऊपर रहता है, सामने भी एक बंदा मुझे दिखाई देता है तो मैं उसे मारने चल देता हूँ। अभी सडनली मैं देखता हूँ पीछे 200 टोकन्स है तो मैं 200 टोकन्स लूट करने चला जाता हूँ और लूट कर लेता हूँ। तभी एक बंदा कैरेक्टर लगा के मेरे पे रस करते रहता है। अब मेरे पास ओनली M10 रहता है, ना वेस्ट ना हेलमेट, मैं रेंज बना के 200 उसे मारता हूँ, डबल बैरल से मुझे हेडशॉट मार देता है। बट दोस्तों दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है, रिवाइवल ऑन रहता है और मैं दोबारा से रिवाइव हो चुका हूँ। और देख सकते हो गाइस मार्स इलेक्ट्रिक के सामने वाले एलसेप में मैं लैंड कर चुका हूँ। क्या गिव अवे कर रहे हो इसमें? या तो आपको मंथली मेंबरशिप मिलने वाला है, क्योंकि रिडीम कोड सारे मिक्स में ही होते हैं हमारे पास, ठीक है। मंथली 250 का, 160 का, 70 शायद कोड्स वीकली मेंबरशिप है, 20 उसमें से मंथली है। लैंड करने के बाद मैं एलसेप में लूट करता हूँ, फिर मार्स इलेक्ट्रिक चला जाता हूँ, देन मार्स इलेक्ट्रिक में मैं थोड़ा सा लूट करता हूँ, फिर ऊपर वाली जिपलाइन पकड़ के सीधा सेंटोसा की ओर चला जाता हूँ, क्योंकि मेरा सीक्रेट क्लू है सेंटोसा में जो कि मुझे लूटना है। अब गाइस मैं सेंटोसा आ चुका हूँ, सेंटोसा में बंदे नहीं रहते तो मैं अच्छे तरीके से लूट कर लेता हूँ। यहाँ पे गाइस मेरे पास ट्रोगन एंड M14 आ चुका है, उसके बाद मुझे ब्लू वाली गाड़ी दिखती है, ब्लू वाली गाड़ी लेके मैं सीधा अपने सीक्रेट क्लू को लूटने चला जाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैं सीक्रेट क्लू अपना लूट चुका हूँ। आप देख सकते हो गाइस जोन भी श्रिंक हो चुका है, लेकिन सेंटोसा में मैंने अच्छी तरीके से लूट नहीं करा तो वापस मैं सेंटोसा में आ जाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो गाइस मैं टोकन वगैरह लूट कर रहा हूँ। आगे देखो गाइस बिंजेस भाई मुझे लाइफ पे स्पॉट करते हैं। देसी छोरा पे थोड़ा सा इंस्पेक्ट देगा, देसी छोरा के पास कौन सा बंडल है यारो, देख रहे हो ये सब क्या देखना पड़ रहा है तुम्हारे भाई का बंडल है यारो, क्योंकि देसी छोरा अपना भाई है। लाइक छोरा खतरनाक गेम प्ले करने का मेरे भाई, ओके। आजकल हो नहीं रहा है क्या छोरा, क्या हो रहा है, गेम प्ले कमजोर हो रहा है तुम्हारा दिन ब दिन भाई, गजब बेइज्जती है। उसके बाद दोस्तों मैं सेंटोसा से गाड़ी लेके निकल लेता हूँ। अब देख सकते हो गाइस 27 बंदे अलाइव है मेरा जीरो किले, लेकिन हमें किल से मतलब नहीं, हमें जैसे तैसे टॉप थ्री करना है। उसके बाद पोचिनोक आ जाता हूँ, पोचिनोक में सामने देख सकते हो पिंक वेंडिंग है, पिंक वेंडिंग से मैं स्किल ब्लॉकर और हेलमेट थिकर ले लेता हूँ। फिर वापस से गाड़ी लेके अपने मकसद के लिए यानी गाइस सीक्रेट क्लू को लूट करने के लिए मैं यहाँ पे देख सकते हो पहाड़ पे आ चुका हूँ, पहाड़ पे मेरा सीक्रेट क्लू रहता है, उसे मैं लूट कर लिया हूँ भाईजान, बस मकसद नहीं भूलना। अब उसके बाद वापस से मैं गाड़ी ले लेता हूँ और एक और मेरा सीक्रेट क्लू सामने ही रहता है तो उसे मैं लूट करने जा ही रहा था। बिंजेस भाई मुझे लाइफ स्पॉट करते आगे आप लोग देखो, देसी छोरा भाई ये कंटेंट है। अरे मैं जानता हूँ भाई, देसी छोरा भाई का वीडियोस ज्यादा कंटेंट ऐसे ही बनता है, मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं भाई अपना यार ऐसा थोड़ी, ये मेरा भाई है। कंटेंट वंटेंट साइड में रखो भाई जैसा है, ठीक है। छोरा भाई मस्त गाड़ी चला रहे, मेरे को ऐसा लग रहा है आज कुछ ना कुछ कर ही लेंगे भाई। हाँ बिल्कुल आज तो कर ही लेंगे भाई, भाई का बंडल पहना है देखा, रियर बंडल लगा के आजकल घूम रहे, सही है छोरा, सही जा रहा है भाई। अब गाइस देख सकते हो जोन काफी ज्यादा छोटा हो चुका है, लिटरली लास्ट जोन टाइप आ चुका है। सामने बंदा रहता है, मैं गाड़ी से उतरता हूँ, उसे फायर देता हूँ, बट वो बंदा कवर में चला जाता है, फिर वापस से मैं गाड़ी ले लेता हूँ। बाप रे जीरो किल, देसी छोरा का गेम प्ले देखते यार, ठीक है अभी तक जीरो के लिए शर्म नहीं आए। तो यहाँ पे गाइस बिंजेस भाई मुझे लाइफ पे देख रहे हैं और सामने फाइट होते रहता है तो मैं गाड़ी लेके सीधा बंदे पे रश कर देता हूँ। आगे आप लोग देखो पासवान 299 थैंक यू फॉर द 20 छोरा का यार, छोरा ने मनीष को भर दिया भाई ट्रोगन से, बाप रे छोरा आज मचा रहा है यारो। छोरा ने यहाँ पे एक को भर तो जरूर दिया है, क्या यहाँ पे छोरा भाई अपना भूया कर पाएगा क्या, क्यों नहीं, अंदर बैठे चुपचाप, लास्ट का जोन आने वाला है और अभी तक 13 बंदे अलाइव है। तो यहाँ पे गाइस मैं छोटे वाले घर पे बैठा और सारे बंदे लिटरली बाहर गाड़ी चला रहे, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल रहा और बंदों का गाड़ी भी खोलने का ट्राई कर रहा हूँ बट फूट ही नहीं रहा। भाई साहब गाइस देख सकते हो कितने बंदे गाड़ी चला रहे, सिर्फ गाड़ियों का आवाज आ रहा और सिर्फ गाड़ी
दिख रहा है, देख सकते हो 12 के 12 बंदे मेरे को लग रहे गाड़ी चला रहे हैं। एसी छोरा यहाँ पे अभी भी बचे हुए यारो, वन एंड ओनली देसी छोरा यहाँ पे क्या करेंगे भाई, जीतेंगे। अरे बाप रे छोरा लग नहीं रहा है क्या, अरे गाड़ियों से देखो क्या चल रहा है भाई। टॉप थ्री बंदे यहाँ पे रिडीम कोड करने वाले, अरे बाप रे छोरा ने 2 किल निकाल लिए यहाँ पे, भूया भी कर सकता है छोरा यहाँ पे। अब मेरे गाइस 2 किल हो चुके, 10 बंदे अलाइव है, सिर्फ गाड़ियां गाड़ी चल रही है, तो मैं वाल लगा लेता हूँ सामने और देख सकते हो मेरे पास 3 ग्रेनेड रहता है, तो मैं सबसे पहले हाथ में ग्रेनेड निकालता हूँ और एक एक करके सारे ग्रेनेड फेंक देता हूँ ताकि कोई गाड़ी वाले को लग जाए। तभी एक बंदा मेरे पे रश कर देता है, मैं क्रोन लगा लेता हूँ और बच जाता हूँ, फिर उसे मारने का ट्राई करता हूँ ड्रोगन से, बट वो बंदा भाग जाता और देख सकते हो हरा ग्लोवाल के साथ सामने पैक कर लिया खुद को। एसी छोरा 2 किल के साथ यहाँ पे नेड करने की कोशिश करेंगे, नेड के साथ छोरा भाई हार नहीं मानने वाला है, ठीक है सच बता रहा हूँ भाई, ये बंदा ना भर तो रहा है, बहुत सही भाई छोरा। उस बंदे को मारने के बाद मैं यहाँ पे कोना में बैठ के मेडिकेट मार लेता हूँ, उसके बाद गाइस मैं लूट वगैरह सब कुछ कर लेता हूँ और देख सकते हो एलसेप में गाइस जोन रहता है और एलसेप के ऊपर ही बंदा, नीचे मैं और सामने देख सकते हो गाइस कितने सारे गाड़ी गाड़ी मॉन्स्टर वगैरह चलते जा रहे भाई, बंदे लोग गाड़ी गाड़ी चला रहे। अब गाइस मैं नीचे एलसेप वाले कॉर्नर में थोड़ा कैंप कर रहा था जब तक जोन नहीं आ जाता, और जोन यहाँ पे आ जाता है, ऊपर से एक बंदा कूदता है, उसे काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ थ्रोगन से, बट वो पैक कर लेता है, फिर एक गाड़ी वाले को मैं डैमेज देते रहता हूँ, तभी सामने से मॉन्स्टर आता है, वो पैक वाले बंदे को उड़ा जाता है और वो नॉक हो जाता है, तो नॉक होते के साथ मैं उसका किल ले लेता हूँ। आगे आप लोग स्ट्रीम का पार्ट देखो गाइस। देसी छोरा 3 किल के साथ यहाँ पे छोरा भाई कुछ, अरे साला उड़ रहे सर, छोरा ने एक और किल उठा लिया शायद से फ्री का, गाड़ी वाले का किल। 6 बंदा लाइव रहता है और एक बंदा देख सकते हो मेरे पे रश कर रहा है, उसे मैं ड्रैगन से मार देता हूं। यहां पे गाइस देख सकते हो 5 बंदे अलाइव है। देसी छोरा ने बोल्ट तो भर दिया भाई, देसी छोरा बचा है यहां पे, ठीक है। अब उसके बाद सामने बंदे रहते हैं तो मैं वाल लगा के पैक कर लेता हूँ। यहाँ पे गाइस देख सकते हो मेरे पास जाइन कैरेक्टर है 2-2 और 14 सुपर मेड है, तो मैं हील मारने का ट्राई करूंगा, हील बैटल करने का ट्राई करूंगा। क्या यहाँ पे छोरा भाई भूया कर पाएंगे क्या, खतरनाक तरीके से नए वाले ग्लू वॉल्स का प्रदर्शन करते हुए, ठीक है, जो कि अभी के टाइम में बहुत रेयर है। तभी मेरा गाइस स्किल ब्लॉक हो जाता है तो मैं बिल्कुल भी हिल बैटल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं वाल को तोड़ रहा था और मैं यहाँ पे वाल तोड़ देता हूँ। एक और बंदा सामने था, डबल वेक्टर सामने आता है, उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ, फिर ग्लोअर लगाता हूँ और वो बंदा मर जाता है। अब गाइस मैं भी नॉक हो चुका हूँ, मेरे पास हॉर्जोली ने 3 बंदे अलाइव है। आगे आप लोग स्ट्रीम का पार्ट देखो। 4 बंदे कौन मरा जोरो मरा, देसी छोरा रौनक और टॉक्सिक, देसी छोरा रौनक और टॉक्सिक, भूया किसने किया, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया कंटेंट भाई का, ऐसे ना हाथ से छूट गया, ठीक है। देसी छोरा यूएन रोनिक और टॉक्सिक, इन तीनों ने बुया किया, ठीक है, छोरा को तंग करते रुको। सोरा सोरा अरे भाई तुम्हारा रिडीम कोड छोरा, ठीक है थैंक यू, लव यू भाई, प्यारे लग रहे हो ऐसे, शुक्रिया। हाँ ये वाला साथ में लो, ठीक है। फाइनली गाइस हम कस्टम को जीत चुके हैं, भले हमारा टॉप 1 मतलब भैया नहीं हुआ लेकिन टॉप 2 तो आ चुका है, और टॉप 3 को रिडीम कोड था। यहाँ पे गाइस विंजाज भाई ने हमें रिडीम कोड दे दिया और मैंने रिडीम भी कर लिया, जैसे कि अभी आपने स्ट्रीम पे देखा। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, उसी के साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ देसी बैटल ऐप में डेली गिवेज हो रहे, साथ ही पेड टूर्नामेंट्स भी होते हैं, जहाँ पे आप 20 रुपए डाल के 16 रुपए पल किल, मतलब आप 5 किल भी मारते तो आप 80 रुपए जीत सकते हो, ऐसे और भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने देसी बैटल ऐप का लिंक देख रखा, आप सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसके बाद गाइस आपको कुछ अपने डिटेल्स डालने, नंबर, जीमेल, अपना नेम, यूजर नेम वगैरह, उसके बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद देसी छोरा वाईटी प्रोमो कोड आप यूज कर लेना, स्क्रीन पे भी सिंपल छोटा छोटा देसी छोरा वाईटी आपको लिखना है, स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा। देन उसके बाद आप डेली गिवे कस्टम ज्वाइन कर सकते हो, डेली मैं गिवे करता हूं। तो चलो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, होप ये वीडियो में आपको मजा आया होगा, लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। जीत गया ना, आप लोग बहुत कमेंट करते हो यार, नहीं जीत पाए तो वीडियो क्यों डालता, अब जीत के डाला यार, बहुत कमेंट करते हो लिटरली भाई, परेशान कर देते हो।